हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू वंदूस फूड एंड ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और तुरई की एक बहुत ही मज़ेदार सब्जी जो कि बंगाल की स्पेशलिटी है और बंगाल का ये ट्रेडिशनल सब्जी है और इसे आलू झिंगे पोस्तो भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है, जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उतनी ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पोस्तो यानी कि पॉपी शीट 2 चम्मच लेकर उसको लगभग 1.5 से 2 घंटे भिगो दिए हैं। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसे ग्राइंड करेंगे। जो पानी हमने भिगोने के लिए रखा था वही वो पानी जो है वो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। 2 ग्रीन चिलीज मैंने इसमें ऐड की है और इसका पेस्ट बना लिया है। अब हमें कढ़ाई के अंदर में सरसों तेल लिया है और सरसों तेल को थोड़ा अच्छा जब गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 चम्मच कलौंजी मैंने डाली है और 2 रेड चिली डाली है, सूखी लाल मिर्च। और जब कलौंजी थोड़ी चटकने लग जाए तो इसके अंदर में मैं आलू डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं और 2 आलू को मीडियम साइज में मैंने कट करके रखा है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम आलू को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे, फिर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे सॉटे करना है। तो ये हमारा जो आलू है बिल्कुल तैयार हो गया है और अब इसके अंदर में मैंने यहाँ पे तोरई काट के रखी है, तोरू तोरई कहते हैं, झींगा भी कहते हैं इसे, उसको काट के रखा है। यहाँ पे 2 तोरू मैंने ली है और इसको यहाँ पे डाल के इसमें और इसको भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। तो ये हमारे आलू और तोरू जो है 2 मिनट के लिए हमने सौते कर लिए। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं तो इसमें मैं हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें इसमें नमक डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है और इसमें मैं हल्दी डालूंगी। अब मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाला। बहुत ही सिंपल सी सब्जी है लेकिन इसको जब आप खाओगे स्पेशली राइस के साथ अगर आप इसे खाओ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे आप इसे पराठा या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो ये 2 मिनट हमने इसको अच्छे से नमक हल्दी के साथ फिर से सौते किया है और अब इसके अंदर हमने जो पॉपी शीट का जो पेस्ट बना के रखा था ग्रीन चिली और पॉपी शीट का वो इसमें ऐड कर दिया है। पॉपी शीट जब हम भिगो करके इसमें पेस्ट बना के डालते हैं इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। और सबसे बड़ी बात है कि पॉपी शीट जो है वो इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफ़ी हाई होता है और ये ब्रेन के लिए, बच्चों में ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा, बच्चों क्या बड़ों के लिए भी ब्रेन के डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करता है पॉपी शीट। तो ये बिल्कुल हमने इसके अंदर थोड़ा पानी भी डाला था मैंने और इसे ढक करके हमें थोड़ा ये ड्राई हुआ तब तक हमने इसे कुक किया। तो देखिए हमारी जो आलू और ये तोरई है वो बिल्कुल पक चुकी है और ये हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल तैयार है। इसका कुकिंग टाइम जो है लगभग 10 से 15 मिनट है। तो ये बिल्कुल रेडी है, देखिए इसको मैंने सर्विंग बोल में डाल दिया है। कितना अच्छा इसका कलर आया है और जितना अच्छा ये दिखने में लग रही है उतनी ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए एक लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।